मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक वक्तव्य पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ हिंगना में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी चौक पर निषेध प्रदर्शन किया गया। रवि जोंडागड़े बोले कि राणे के कोई भी बोल एक पुरुषार्थ को नहीं दिखाता है, हमेशा एक महिला की तरह वक्तव्य रहता है, इसलिए हिंगना तालुका की तरफ से नारायण राणे और उनके दोनों लड़कों के लिए पोस्ट से चूड़िया भेज रहे हैं, ऐसा विधान इस दौरान उन्होंने किया। इस दौरान शिवसैनिकों ने नारायण राणे मुर्गी चोर के नारे भी लगाए और हिंगना MIDC के थानेदार को मंत्री नारायण राणे पर कार्रवाई हो ऐसा ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर तालुका प्रमुख शिवसेना रवि जोंडागड़े, तालुका प्रमुख शिवसेना हिंगना तालुका जगदीश कनेर, विलास बोमले समेत अन्य लोग उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए हिंगना से आशीष कुरनाने की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री है, इनकी जो पहचान है ये तो शिवसेना ने पहचान बनाई है इनकी। बाला साहब ठाकरे ने इनको आशीर्वाद दिया तब जाके ये जो कुछ भी इनका वजूद बना वो बाला साहब ठाकरे के वजह से बना है। आज उनके परिवार का, ठाकरे जी के परिवार का व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे वक्तव्य नारायण राणे जी दे रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसका निषेध हम पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक और देश का कोई भी नागरिक इसको पसंद नहीं करेगा इस तरीके से। और उसकी जो औकात है वो उसने अपनी औकात दिखा दी है, इसीलिए वो इस चीज़ पर आ गया है और इसका उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसका जो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे जो ताकत लगा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक की बात है कि वो इस तरीके से राजनीति पे उतरी है। तो इसका जो भी परिणाम है वो आगे वाले चुनाव को देख के ये सब कर रहे हैं, तो उसका परिणाम तो चुनाव में भी दिखेगा। लेकिन अभी जो प्रतिक्रिया पूरे महाराष्ट्र में हो रही है वो इसकी वजह से है कि ये जो आदमी को शिवसेना ने बनाया उसी के पीछे वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र भाजपा और नारायण राणे जो कर रहे हैं उसका हम मुंह तोड़ जवाब ये शिवसैनिक देंगे। से आज जो डिमांड की जा रही है नारायण राणे जी को, नारायण राणे ने जो माननीय उद्धव साहब के ऊपर जो आक्षेप पर जो बात की है उसकी वजह से शिवसेना और युवा सेना इतनी आक्रामक हो चुकी है। अगर नारायण राणे के ऊपर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई है तो शिवसेना युवा सेना अपनी स्टाइल में आंदोलन ने नहीं नारायण राणे को अपनी जगह दिखा दी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो नारायण राणे ने बेताल वक्तव्य केलं, महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री तसेच आमचे शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम या महाराष्ट्रामध्ये केलं, ते जबाबदार व्यक्ती आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, आताच मंत्री झाले, मोदी साहेबांनी त्यांना मंत्री बनवलं आणि मोदी साहेबांनी हे फक्त इथे महाराष्ट्रामध्ये कुत्र्यासारखं भुकण्याकरता त्यांना हे मंत्री बनवलं, परंतु मंत्री बनून त्यांना स्वतःची जबाबदारी त्यांना समजायला पाहिजे। आपण कोण आहोत, आपण काय करत आहोत, ज्या महामानवानी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी घटना तयार केली त्या घटनेच्या आधारावरती देश चालतो, राष्ट्र चालतो, राज्य चालतो, आणि मंत्री म्हणून आपली जबाबदारी काय आहे, आणि म्हणून ती जबाबदारी बाजूला ठेवून कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचं महापाप या नारायण राणेने केलं आहे, त्याला ताबडतोब मोदी साहेबांनी मंत्रीपदावरून हटवावं। जर यांना मंत्रीपदावरून हटवलं नाही तर अशा बेताल वक्तव्य करणाऱ्या या नारायण राणेला, या कोंबडी चोराला आम्ही याची दिशा, हे सगळे शिवसैनिक महाराष्ट्रातले नव्हे परंतु संपूर्ण देशातले शिवसैनिक याला याची जागा आम्ही दाखवून देणार आहोत। जर याला पदावरून मंत्रीपदावरून मोदी साहेबांनी कमी केलं नाही, त्यांचा राजीनामा घेतला नाही, त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। या मंत्र्यालाही वक्तव्य शोभत नाही, अशोभनीय वक्तव्य आहे आणि म्हणून आमची मागणी आहे, मोदी साहेबांना कडकडीची विनंती आहे, त्यांनी त्या नारायण राणेला मंत्रीपदावरून ताबडतोब हटवायला पाहिजे आणि त्यांचा राजीनामा द्यायला पाहिजे। घोषित वाढवलेला व्यक्ती नारायण राणे याला मुख्यमंत्री पदापर्यंत मजल मारून दिली होती, त्याच व्यक्ती
उद्धव ठाकरे यांना वेगळ्या शेलक्या भाषेत बोलतोय याचा आम्ही पूर्ण शिवसेना हिंगणा शहरतर्फे हिंगणा तालुक्यातर्फे आम्ही निषेध करतो आणि अशा कुंभी चोराला लवकरात लवकर मंत्रिमंडळातून हकललं पाहिजे आणि भाजपाचा हा डाव आहे या शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी ह्या पिल्लू सोडलेला आहे. या पिल्ल्याला लवकर कसं हे करता येईल तसं शासनाने हे करायला पाहिजे आणि त्याला चांगल्यात चांगली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. यानंतर नारायणांनी असं वक्तव्य केलं तर आम्ही हे बिलकुल शिवसेनेक सहन करणार नाही. त्यानंतर आम्ही जोरदार आंदोलन करू तालुक्यातर्फे. जय हिंद. उसमें कोई भी गुण एक पुरुष का दिखता नहीं है. हमेशा बाई की तरह एक औरत की तरह वक्तव्य रहता है. इसलिए उसके लिए हिंगणा तालुके की तरफ से नारायण राणे और उसके दोनों लड़के के लिए दोनों भूषण थापा उनके लिए ये भांगड़ी भेज रहे हम आज पोस्ट ऑफिस से भेजने वाले हैं. नहीं हमेशा ही ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ी है कि किसी को आगे डालने का और पीछे से वार करने का. ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नया विषय नहीं है. अभी तक हम जो मित्र पक्ष में थे तो हमारे कंधे पे बंदूक रख के हर गांव में हर गली में गए. आज उनको मालूम है कि यार लड़ने वाला लड़ाकू कोई आदमी नहीं है. इसलिए नारायण राणे जैसे चेहरा और कुमड़ी चोर जैसे आदमी को सामने लाया उन्होंने. क्या बोलेंगे जो उद्धव ठाकरे जी के विरोध में जो बोला है इन्होंने इसके बारे में? अब नारायण राणे जी को एक चपरासी से लेकर तो सीएम तक के बनाए माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आदरणीय बाला साहब जी ठाकरे जी ने उसकी लायकी नहीं थी. एक लिफ्ट में लिफ्ट करने वाला आदमी था, वो वर्कर आदमी था जब कोकण से मुंबई में आए. लेकिन वो उस आदमी को शाखा प्रमुख से लेके तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के महत्व के पद पे बैठाए. आज वो आदमी क्या बताएंगे जिसके टुकड़ों पे वो पला है? वो आदमी बताएगा शिवसेना को ख़त्म करने की बात और माननीय उद्धव जी की बात करेगा ख़त्म करने की? हमारे जैसे शिवसैनिक बहुत है जो उसको निपटने के लिए तैयार है. अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? हमारा शिवसेना का जन आंदोलन इससे ज़्यादा होगा, बड़ा होगा. जन आंदोलन इससे बड़ा होगा, रास्ता आंदोलन करेंगे. आज हमारी सरकार है इसलिए हम प्रामाणिक से हम एक साइड में हम आंदोलन करें. सरकार हमारी है महाराष्ट्र की, कायदा सुव्यवस्था हमको अच्छी रखना है. इसलिए हम हमारी कायदा सुव्यवस्था को खराब नहीं होना देते. जिस दिन भाजपा आंग पर आ जाएगी ना हम उनको खून का खून और पानी का पानी बता देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी बता देंगे. भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर बड़ी हुई है, हम उनके ऊपर बड़े नहीं हुए. केंद्रीय मंत्री है, इनकी जो पहचान है ये तो शिवसेना ने पहचान बनाई है इनकी. बाला साहब ठाकरे ने इनको आशीर्वाद दिया तब जाके ये जो कुछ भी इनका वजूद बना वो बाला साहब ठाकरे जी के वजह से बना है. आज उनके परिवार का, ठाकरे जी के परिवार का व्यक्ति दे इस राज्य का मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे वक्तव्य नारायण राणे जी दे रहे हैं ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसका निषेध हम पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक और देश का कोई भी नागरिक इसको पसंद नहीं करेगा इस तरीके से. और उसकी जो औकात है वो उसने अपनी औकात दिखा दी है इसीलिए वो इस चीज़ पे आ गया है और इसका उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा. और इसका जो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे जो ताकत लगा रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी शर्मनाक की बात है कि वो इस तरीके से राजनीति पे उतरी है. तो इसका जो भी परिणाम है वो आगे वाले चुनाव को देख के ये सब कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो चुनाव में भी दिखेगा. लेकिन अभी जो प्रतिक्रिया पूरे महाराष्ट्र में हो रही है वो इसकी वजह से है कि ये जो आदमी को शिवसेना ने बनाया उसी के पीछे वो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये षड्यंत्र भाजपा और नारायण राणे जो कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब ये शिवसैनिक देंगे.